इसमें साइड में एक लगा हुआ है रेड बटन, जिसको रीसेट बटन कहते हैं। तो पहले हमने रेड बटन को दबाना है 3 बार। उसके बाद ये जो डोरी दिख रही है, ब्लैक डोरी, इस डोरी को हमें खींचना है। इसको पुल करने से ये स्टार्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज हम फिर करने वाले हैं लॉन मोइंग। तो ये है हमारा लॉन मोयर, अभी हम उसे कर रहे हैं स्टार्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल में आपको दिखाऊंगी अपने जो हमारी मशीन है जिससे हम घास काटते हैं। तो बस हमारी मशीन यहाँ पर हो गई है स्टार्ट और घास कटना शुरू हो गया है। लॉन काफ़ी बड़ा है, टाइम लग जाता है। हम लोगों ने, दो लोगों ने मिल के थोड़ा थोड़ा करके काटा था। इसे ऊपर हैंडल है ना, वहाँ उसको थोड़ा सा दबा के रखना पड़ता है, तो ये ऐसे आगे को मूव होती है। जैसे ही हम हैंडल छोड़ दें वो वहीं की वहीं रुक जाती है, और स्पीड भी काफ़ी तेज़ है तो थोड़ा भागना पड़ता है पीछे पीछे, क्योंकि पहले यही ये सब काम कर लेते थे, हमने कभी किया नहीं। और देखो कितने अच्छे से घास कटता जा रहा है साथ साथ। तो आप लोग मेरी बेटी से भी मिल लीजिए, ये मेरी बेटी है जो घास काट रही है। और हम लोग उसके साथ मजाक भी कर रहे थे, हमने कहा कि नया लेबर हमने किया है हायर घास काटने के लिए। तो बस ऐसे ही, बस ये तो सबको पता ही है, जब अच्छा टाइम होता है तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है, कोई ऐसा टाइम आता है तो हेल्प के लिए कोई नहीं आता। तो यहाँ पे घास भी कट रहा है अब, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्यारियाँ भी हमने यहाँ पे तैयार की हुई हैं, जो आपको वो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बॉक्सेस तैयार किए हुए हैं। और बस अब जैसे ही घास कट जाएगा इसमें डाल दूँगी मैं बीज। तो इसमें से एक पे मैंने धनिया डाला हुआ है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी हमने डालनी है कैरेट, और हम डालेंगे मेथी, और भी देखते हैं कोई बीज होगा तो शायद भिंडी के बीज पड़े हैं वो डाल दूँगी। ये वीडियो भी पुरानी है, 10 दिन पुरानी, 10-12 दिन अभी तक तो वो निकल भी आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। काले चने भी डाले हैं, वो भी निकल के आ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। इसको तैयार करने भी यहाँ पे 2-3 दिन लग गए, धीरे धीरे किया है पर अच्छे बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। ये इधर वाले पहले साफ़ किए थे, तो अब जब तक दूसरे साफ़ हुए इसमें देखो घास निकल के आ गया, फिर से ये साफ़ करने वाला हो गया थोड़ा थोड़ा, तो अब इसको भी कर लेंगे धीरे धीरे। इसमें अभी कुछ लगाया हुआ अभी नहीं है, लेकिन इसके साइड में पुदीना अपने आप ही निकल आता है हर साल, तो वो छोटे छोटे से है अभी। तो इधर मैं साथ साथ बीज भी डालने लगी हूँ जो हमने क्यारियाँ तैयार की हुई हैं। बीज, ये वाला जो बीज दिख रहा है आपको जो मैं अभी डाल रही हूँ, ये कैरेट का बीज है। तो आज सारे ही डाल देने हैं, सारी क्यारियाँ तैयार हैं, बस बीज डालने हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, ये वीडियो पुरानी है, अभी इसके जो है छोटे छोटे से पौधे से निकल के आ गए हैं सैपलिंग। इधर अभी लॉन मोइंग जारी है, थोड़ा टाइम और लगेगा, काफ़ी सारा है ना, बड़ा है ये एरिया, और अभी फ्रंट पे भी है, फ्रंट पे भी जाके करना है। और अभी बस इसका बैग भरने वाला है, तो अभी बैग खाली करना पड़ेगा एक बार। ये है बैग, गिर गई नीचे घास, कोई लो। भैंस को पट्टे डालने के लिए ऐसे होते थे, भैंस हो, भैंस भी रख लेते हैं, इजी हो जाएगा। घोड़े का भैंस को भी रख लेते हैं, अगर फ्री में उसको घास खाने को मिल जाता, खर्चा नहीं।
यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे कि इतना घास कटता है, हम लोग भैंस पाल ले तो उसको पट्टे मिल जाएंगे फ्री में खाने के लिए। ये बिन भी पूरा फुल हो गया है, तो अब यहाँ पर बैग हो गया है खाली। अभी इस बैग को दोबारा यहाँ पे अटैच करना है। इसको यहाँ पे अटैच करने के बाद फिर दोबारा जो बचा हुआ है वो घास काटना है। तो यहाँ पर ये बैग ऐसे लग जाता है इसके अंदर। अब इसे दोबारा से रीसेट करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खेल रहा है हमारा बाबू, वो वीड वाला भी करके जाते हैं ना स्प्रे। मजा देख कितना आ रहा है इसको, हरी हरी घास में पीला पीला फूल छोटा सा है ना। ओए येलो फ्लावर नन्ना सा इधर ले आ। अब ये अंदर नहीं आएगा। ये देख नानी के पास कितने सारे स्टोन है, आजा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारी क्यारियों में जो मैंने बीज लगाए थे उसमें से क्या क्या ग्रो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।